अरे यार मैं एडिटिंग कर रहा था तो ऊपर तक आवाज आती है। अरे यार मैं एडिटिंग कर रहा था तो ऊपर तक आवाज आती है। तो यही चीज मुझसे पूछा जा रहे थे कुछ यहाँ के बारे में, तो मुझे मुझे मतलब काफी नेक्स्ट लेवल लग रहा है यहाँ पे आके। मतलब मुंशियारी में फर्स्ट टाइम मुंशियारी आया हूँ और मतलब और इस तरह कॉटेज में फर्स्ट टाइम मैं रुका हूँ। मतलब बहुत अलग ही वाइब है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव। और सामने मतलब हिमालय दिख रहे हैं, हिमालय की 5 चोटियां दिख रही हैं। सौरभ भाई यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक करना, और यहाँ आने के लिए यह है इको फ्रेंडली अल्पाइन कॉटेज मुंशियारी में आप आ सकते हो। पानी यहाँ की नदियों का पानी, झरनों का पानी, देवभूमि बोलते हैं यहाँ पे, हर मतलब हर पहाड़ की हर चोटी पे आपको एक मंदिर दिखेगा और मंदिर में जाके अलग ही वेल्स आती है। आपका क्या प्लान है अब आगे का? हमारा प्लान है अब आगे जाके हम सामने जो हिमालय दिख रहे हैं, हिमालय के ऊपर जाएंगे हम, आदि कैलाश जाएंगे हम, ओम पर्वत जाएंगे हम, पंचाचूली जाएंगे। मतलब बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ मैं, लेकिन मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच। इस वक्त हम लोग मुंशियारी से मूव करेंगे, हम जाएंगे टूवर्ड्स धारचूला, क्योंकि धारचूला एक शहर है जहाँ से हमारा परमिट बनेगा। अच्छा, फॉर मानसरोवर, नहीं सॉरी नॉट फॉर मानसरोवर, फॉर आदि कैलाश और ओम पर्वत। कितना लंबा रास्ता है सर? धारचूला से नियर अबाउट 70 to 100 किलोमीटर। अच्छा, कितना टाइम लग सकता है? तो जब हम यहाँ से गुंजी जाएंगे, धारचूला से गुंजी जो है कि तकरीबन होगा 50 to 55 किलोमीटर। वहाँ से दो रास्ते फटते हैं, एक जाता है आदि कैलाश को और एक जाता है ओम पर्वत। तो सबसे पहले हम ओम पर्वत करेंगे, ओम पर्वत से वापस गुंजी आएंगे, गुंजी में स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे गुंजी से हम जाएंगे आदि कैलाश पर। कहेंगे कि हम आज जाए पंचाचूली बेस कैंप। अच्छा। कोशिश रहेगी, देखते हैं कितने हम सफल होते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम वहीं अपना कैंपिंग करें। क्योंकि जो आपको पीक दिख रही ना, हाइट वाली पीक्स, इन पीक्स के बैक साइड में बिल्कुल इसकी जड़ पर हम जाएंगे। काफी ठंडा होगा, एडवेंचर्स होगा, वहाँ का फूड ट्राई करेंगे, वहाँ की लोकल जो भी डिशेज होंगी वो ट्राई करेंगे और बाकी हिमालय को एक्सप्लोर करेंगे। आप एंजॉय कीजिए, मजा आएगा। अरे जबरदस्त, सबसे अलग जान है। अब यूएस जाने की देर है बस। आई लव माय इंडिया। चल ऊपर से वो I'm going to go to the hospital.